जय हिंद दोस्तों, आप सभी का न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आप लोग के लिए बीपीएससी में जितने भी बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे गए सभी क्वेश्चन का आज हम सॉल्व कराने जा रहे हैं। इसमें आपका यानी आपका 1992 से लेकर 2023 तक जितने भी आपका बायोलॉजी से यानी जीव विज्ञान से क्वेश्चन पूछा गया सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। यानी आपका एक ही वीडियो में पूरे बायोलॉजी क्वेश्चन का कवर हो जाएगा। तो ये आपका वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती का तैयारी कर रहे हैं या आप 69th बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस वीडियो को आप एक बार जरूर देखिएगा क्योंकि आपका बीपीएससी में बायोलॉजी से आपका सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपका साइंस में सबसे अधिक आपको बायोलॉजी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको बीपीएससी के लिए यानी बायोलॉजी का क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसे एक बार आप जरूर बनाइएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए थोड़ा हम फास्ट बनेंगे क्योंकि आपका इसमें क्वेश्चन अधिक है। देखिए आपका क्वेश्चन फर्स्ट है कि पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी थी, तो यह लिखी थी आपका चार्ल्स डार्विन ने। क्वेश्चन आपका सेकंड है, क्वेश्चन है कि मानव में इंसुलिन किसका उपापचय नियंत्रित करता है, ये कहता आपका कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है, आपका ऑप्शन ए होगा पेंसिलिन एंटीबायोटिक है, और आपका हो जाएगा डी सल्फाडाइजिन। सल्फाडाइजिन ये भी आपका एंटीबायोटिक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ई उपर्युक्त में से एक से अधिक। उपर्युक्त में से एक से अधिक आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन का 63 बीपीएससी में पूछा गया था आपका 2017 में। नेक्स्ट का क्वेश्चन का फोर है, क्वेश्चन फोर है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है, तो आपको जाएगा चावल। चावल में आपका सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर फाइव है, क्वेश्चन है कि कीट संवर्धन क्या है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कीटों की वृद्धि करने वाला विज्ञान। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन सिक्स है, क्वेश्चन है कि जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी अनुवंशिकता और विचरण, का अध्ययन को जेनेटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन है, क्वेश्चन है कि गर्भ में भ्रूण को विकास को जानने के लिए निम्नलिखित में से किस तरंगे का उपयोग किया जाता है, आपका ऑप्शन सी होगा प्राध्वनि तरंगे का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर एट है, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सच्चा फल नहीं है, तो हो जाएगा सेब आपका सच्चा फल नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नाइन है कि फाइन फर स्प्रूस सेडार लार्च स्प्राइस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधे में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं, ये सभी क्या कहलाते हैं, ये आपका अनावृत बीजी कहलाते हैं, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन का है, क्वेश्चन नंबर टेन है, क्वेश्चन है कि लौंग एक मसाला है जो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो लौंग आपका पौधे के कली भाग से यानी फूल के कली के भाग से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका अलेवन है, क्वेश्चन है कि लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किसका भाग से प्राप्त होता है, तो पुष्प सूक्ष्म पुष्प कली से। अब देखिए यह क्वेश्चन आपका 2015 में पूछा गया और इससे पहले देखिए आपका यह क्वेश्चन आपका 2020 में भी पूछा गया, तो आप देख सकते हैं आपका बीपीएससी खुद अपने क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, इसलिए कहते हैं आपको यानी क्वेश्चन बैंक को बनाना चाहिए क्योंकि आपका बीपीएससी क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12 है, क्वेश्चन है अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और एंटरनोड होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर तेरह है, क्वेश्चन है कि प्रागण की सुपरिभाषा है, आपका ऑप्शन वन होगा यानी ए होगा कि प्राग केसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि पादप कली है, आपका ऑप्शन ए होगा कि एक भूरणीय टहनी है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 15 है, क्वेश्चन है पौधे जो नम्न युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम हेलोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन है कि लवण युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं, आपका ऑप्शन डी होगा कि लवण मृदोविद।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 17 है, क्वेश्चन है कि ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है, तो आपका मस्तिष्क के निगरानी के लिए उपयोग होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 18 है, क्वेश्चन है कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग की जाने वाले विकिरण है, तो ये आपका इन्फ्रारेड है। किस रे का उपयोग करते हैं, इन्फ्रारेड रे का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 19 है, क्वेश्चन है कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है, यह आपका उत्परिवर्तन क्या है, उत्परिवर्तन है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 19 नहीं क्वेश्चन 20 है, सॉरी क्वेश्चन आपका 20 है कि मेंडल के अनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है, मेंडल के अनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है, यह आपका लैंगिक जनन पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21 है, क्वेश्चन है कि डीएनए की खोज की, आप देखिए इसका आंसर आप ए बत मार दीजिएगा, ये आपका गलत है। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की खोज नहीं किया था, डीएनए की द्वि कुंडली संरचना की खोज किया था। तो डीएनए की खोज किसने किया था, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, पहले ई होगा, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा ई होगा। याद रखिएगा डीएनए की खोज किया था यानी फ्रेडरिक मिक्सचर ने डीएनए की खोज किया था, इसे आप ध्यान रखिएगा। और डीएनए के द्वि कुंडली संरचना की खोज किया था जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने, लेकिन इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर आपका ई होगा। तो याद रखिएगा आप गलती से आपका भी वाटसन क्रिक मत आप ऑप्शन लगा दीजिएगा, क्योंकि आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 22 है, क्वेश्चन है कि जीव कोशिकाओं के अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है, तो ये आपका हो जाएगा डीएनए, कौन सा उत्तरदायी है, तो ये आपका डीएनए इसके लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 23 है, क्वेश्चन आपका 23 है, क्वेश्चन है कि यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है ग्लाइकोजन के रूप में, किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में यकृत और मांसपेशी में ऊर्जा जमा होती है। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका 24 है, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है, दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है, तो यह करता है आपका यानी लाइसोसोम करता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका है 25 है, क्वेश्चन है कि शरीर में लौह की कमी से क्या होता है, लौह की कमी से क्या होता है, तो रक्त प्लावता होता है, आपका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका है 26 है, क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, तो यह तो आपका 98.6 फारेनहाइट, लेकिन आपका सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस और आपका केल्विन होता है 310 डिग्री केल्विन। तो सब भी याद रखिएगा, सेल्सियस में 37 डिग्री होता है और आपका केल्विन में 310 डिग्री केल्विन होता है और आपका सेल्सियस में यानी फारेनहाइट में 98.6 फारेनहाइट होता है, तीनों का आप याद रखिएगा। नेक्स्ट का है क्वेश्चन का 27 है, क्वेश्चन है इनमें से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर की तीसरी आँख कहा जाता है, मानव शरीर की तीसरी आँख कहा जाता है, तो पीनियल ग्रंथि को मानव शरीर की तीसरी आँख कहा जाता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 28 है, क्वेश्चन है कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और मोड़े जा सकते हैं वे क्या कहलाते हैं, मोड़े जा सकते हैं वे कहलाते हैं, आपका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, कार्टिलेज, क्या कहलाते हैं, कार्टिलेज कहलाते हैं। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपका यानी 2023 में पूछा गया है 68 बीपीसी में। नेक्स्ट का क्वेश्चन 29 है, क्वेश्चन है कि लाइकिन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं यानी शैवाल और कवक की सहजीवी क्रिया होते हैं आपका लाइकिन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 30 है, क्वेश्चन है कि मादा एनफ्लिच को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह पैरथी है, ऑप्शन बी होगा, अंत स्तर के साथ एक कोण पर। अब देखिए यह क्वेश्चन आपका 2023 में 68 बीपीसी में पूछा गया है, अब देख सकते हैं कि बायोलॉजी का क्वेश्चन कितने आपका डीपली में जाकर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसलिए कहते हैं बायोलॉजी का वेटेज भी ज़्यादा रहता है, तो बायोलॉजी का आप अधिक से अधिक पढ़िए, क्योंकि आपका बायोलॉजी से आपका क्वेश्चन अधिक रहेंगे, इसलिए कहते हैं बायोलॉजी पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि आपका बायोलॉजी से क्वेश्चन अधिक रहेंगे। ठीक, नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका 31 है, क्वेश्चन है कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार है, यह होता है डब्ल्यूबीसी आपको शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। इसका आंसर होगा आपका सी, लिम्फोसाइट, क्या होगा, सी होगा, लिम्फोसाइट। नेक्स्ट का क्वेश्चन होगा 32 है,
क्वेश्चन है कि मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। मांसपेशियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए है कि मांसपेशियाँ केवल हड्डी को धक्का दे सकती है, यही आपका गलत है। आपका ऑप्शन ए ही हो जाएगा, यही आपका गलत है। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 33 है, क्वेश्चन 33 है कि ल्यूकेमिया कई प्रकार के कैंसर का एक नाम है जो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है और बहुत संख्या में असामान्य रक्त कणिकाओं का बनना शुरू करता है। यह रक्त कणिका कौन है, यह रक्त कणिका कौन है? तो यह आपका है WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाएं। यह आपका होता है WBC। नेक्स्ट है क्वेश्चन 34 है, क्वेश्चन है मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है। तो बाल में पाई जाती है, नाक में भी होता है, फेफड़ा में भी होते हैं और अग्नाशय में होते हैं। आपका ऑप्शन क्या होगा, ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 35 है, क्वेश्चन है कि आंत्र ज्वर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। ये आपका आंत को प्रभावित करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 36 है, क्वेश्चन है कि कार्बनिक कृषि एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें कार्बनिक खादों पुनर्चक्रित फार्म अवशिष्ट तथा जैविक कारकों का अधिकतम मात्रा में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका 37 है, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी क्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है। आपका हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण आपका यानी वातावरण में क्या होते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। आपका क्या होगा तो डी हो जाएगा। अब देख सकते हैं क्वेश्चन आपका यानी 65th BPSC में पूछा गया था जो आपका री एग्जाम हुए थे। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 38 है, क्वेश्चन है कि निम्न से संवहनी पौधे को चुनिए। तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, फर्न। क्या है फर्न? एक आपका संवहनी पौधा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 39 है, क्वेश्चन है कि स्पाइक गोइडा निम्नलिखित शैवाल में से किसका एक उदाहरण है। तो ये आपका हरा शैवाल का एक उदाहरण है। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 40 है, क्वेश्चन 40 है कि निम्नलिखित में से शैवाल का एक उदाहरण है। यह आपका 40 हो जाएगा ऑप्शन ए, डाइटम एक शैवाल है। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 41 है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। तो ये आपका ऑर्थोपोडा है, ऑर्थोपोडा आपका प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 42 है, क्वेश्चन है कि निम्न में से जैविक उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन आपका ये है कि माइकोरियल फंगी, बिल्कुल सही है। बी आपका है ब्लू ग्रीन सेवाल, ये भी आपका सही है। थर्ड आपका गलत है, इसका आंसर आपका बी होगा, केवल वन एंड टू। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 43 है, क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पौधे में खाद्य सामग्री संग्रहण करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया है। आपका 43 हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए होगा, अदरक हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 44 है, क्वेश्चन है कि मानव शरीर में होता है पानी आपका लगभग 70% होते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन 45 है, क्वेश्चन है कि मानव स्वास्थ्य पर ओजोन अवक्षय के क्या प्रभाव हो सकते हैं। ऑप्शन वन है कि धूप से जलना, ये बिल्कुल सही है। टू है मोतियाबिंद भी हो सकते हैं। थ्री है त्वचा कैंसर भी हो सकते हैं, त्वचा का मुरझाना भी हो सकते हैं। आपका ऑप्शन ए होगा, 1, 2, 3 एंड 4 चारों आपका सही है। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका 46 है, क्वेश्चन है कि कर्कुमा लोंगा कौन से मसाले का वैज्ञानिक नाम है। आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, हल्दी का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 47 है, क्वेश्चन है कि वैक्स मानव की हाथों और पैरों की हड्डियों की संख्या मानव की सभी हड्डियों की संख्या के लगभग कितनी प्रतिशत होती है। तो ये होता है आपका लगभग 50%। आपका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 48 है, क्वेश्चन है कि पलेगड़ा निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो विटामिन B3 की कमी से पलेगड़ा रोग होता है। एक चीज़ याद रखिएगा, विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन होता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 49 है, क्वेश्चन है कि कोबालमिन निम्नलिखित में से किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है। तो ये आपका विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबालमिन। आपका विटामिन B12 में कोबाल्ट पाए जाते हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 50 है, क्वेश्चन 50 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदन विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा विटामिन के का, विटामिन के का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 52 है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन के ऑर्गे कैल्सिफेरॉल कहते हैं, ऑर्गे कैल्सिफेरॉल कहते हैं। तो आपका विटामिन D2 का नाम होता है ऑर्गे कैल्सिफेरॉल, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 53 है, क्वेश्चन है कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, या आपका यकृत में विटामिन ए भंडारित होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 54 है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए है रेक्टिनॉल, रेक्टिनॉल आपका यूरोपथैलेमिया बिल्कुल सही है, रेक्टिनॉल की कमी से आपका यूरोपथैलेमिया बीमारी होते हैं। आपका बी है कि टेकोफेरॉल, टेकोफेरॉल की बेरी, ये आपका गलत है। टेकोफेरॉल आपका विटामिन ई का रासायनिक नाम है, जबकि आपका बेरी विटामिन B1 की कमी से होते हैं, B1 की कमी से आपका यानी बेरी बीमारी होते हैं। तो आपका ऑप्शन बी ही गलत है, और आपका B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है, यानी आपका बी ऑप्शन क्या है आपका गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 55 है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है विटामिन B1 संतरा, देखिए आपका संतरा में विटामिन सी होते हैं, लेकिन कुछ मात्रा में आपका विटामिन B1 भी होता है, इसलिए आपका ये सही है। बी है विटामिन डी कॉड यकृत तेल, ये आपका सही है। सी है विटामिन ई गेहूँ अंकुर तेल, ये सही है। आपका डी है विटामिन के अल्फाफा, ये भी आपका सही है। यानी आपका चारों ऑप्शन सही है, आपसे कह रहा था कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 56 है, क्वेश्चन 56 है कि जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है, तो वह आपका विटामिन B12 है, B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालमिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 57 है, क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल परिमाप होता है, आपका 5 से 6 लीटर होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 58 है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है, कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा ऑक्सीटोसिन, ये आपका एंटीबायोटिक नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 59 है, क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भवन काल होता है, यह तबका 30 से 180 दिन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 60 है, क्वेश्चन 60 है कि निश्वसन के समय डायफ्राम में हो जाता है, डायफ्राम हो जाता है। आपका देखिए ऑप्शन ए है समतलाकार, ऑप्शन बी है गुम्बदाकार, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा गुम्बदाकार। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 61 है, क्वेश्चन है 61 है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है, वातावरण प्रदूषक मानी जाती है। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड को मानी जाती है। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 61 है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है, मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा गैम्ब्यूसिया। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 63 है, क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन आपका ऑक्सीजन का परिवहन करना कार्य होता है, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 65 है, क्वेश्चन है कि अधान में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में, अधान में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि में संगत होना चाहिए, बल्कि RH कारक में संगत होना चाहिए। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 66 है कि लाल रक्त कणिका विहीन यानी RBC विहीन जंतु है, यानी किस जंतु में RBC नहीं पाई जाती है, तो केचुआ में आपका यानी केचुआ में RBC नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट आपका
क्वेश्चन का 67 है। क्वेश्चन है इनमें से रक्त दाब का माप यंत्र कौन सा है, ये आपका एस्फाइग्नोमीटर। एस्फाइग्नोमीटर से आपका रक्त के चाप को मापा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 68 है, क्वेश्चन है कि वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 1200 cc। नेक्स्ट है क्वेश्चन 69 है, क्वेश्चन है कि इंसुलिन है, तो इंसुलिन आपका एक प्रोटीन है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 70 है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, इंसुलिन आपका एक हार्मोन्स है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 71 है, क्वेश्चन आपका 71 है, क्वेश्चन है कि महिला सेक्स हार्मोन है, महिला सेक्स हार्मोन है तो आपका जो है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन आपका महिला सेक्स हार्मोन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 72 है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स स्तन ग्रंथियों से दूध का स्त्राव होने में भूमिका निभाता है, तो ये आपका ऑक्सीटोसिन है, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 73 है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है, तो थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 74 है, क्वेश्चन है कि प्यूस यानी प्यूट्री ग्रंथि स्थित होते हैं, तो आपका मस्तिष्क में स्थित होते हैं, और प्यूट्री ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, प्यूट्री ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, इससे आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 75 है, क्वेश्चन 75 है कि एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है, अब देखिए आपका यह क्वेश्चन आपका पहले भी आया था अभी कि एंटीबायोटिक का दवा का उदाहरण है, अब फिर आपका यह क्वेश्चन आ गया, यानी आपका यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अब देख सकते हैं कि बीपीएससी में भी क्वेश्चन का रिपीटेशन होता है, इसलिए कहते हैं क्वेश्चन बैंक को बनाइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका पेनिसिलिन, पेनिसिलिन हो जाएगा, पेनिसिलिन आपका एक एंटीबायोटिक दवा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 76 है, क्वेश्चन है चिकित्सीय स्थिति का निदान करने के लिए MRI तकनीक का उपयोग किया जाता है, MRI में किसका उपयोग नहीं होता है, देखिए आपका MRI में आपका एक्सरे और गामा किरण का यूज होता है, लेकिन आपका चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंग का यूज नहीं होता है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, ए और सी होना चाहिए, इसीलिए आपका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर ई होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 77 है, क्वेश्चन है कि अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है, तो खरगोश से आपका अंगोरा ऊन निकाला जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 78 है, क्वेश्चन 78 है कि पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं, तो मुख्यतः आपका ये मृदा से प्राप्त करते हैं, मुख्यतः मृदा से आपका पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 79 है, क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण आपका क्लोरोप्लास्ट में होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 80 है, क्वेश्चन 80 है कि प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है यानी बाय प्रोडक्ट है, तो बाय प्रोडक्ट आपका O2 होते हैं यानी आपका ऑक्सीजन गैस होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 81 है, क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा ATP में बदलती है, सौर ऊर्जा आपका क्लोरोप्लास्ट में ATP में बदलती है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 82 है, क्वेश्चन 82 है कि कोशिका का शक्ति स्रोत किसे कहते हैं, यानी कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, इससे आप ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 83 है, क्वेश्चन है कि भूर्ण किसमें मिलता है, भूर्ण किसमें मिलता है, आपका ये बीज में मिलता है, आपका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 84 है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है, आपका ऑप्शन बी और सी दोनों है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, तो ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 85 है कि टाइफाइड और कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, जल जन्य रोग के उदाहरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 86 है, क्वेश्चन आपका 86 है, इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यकृत। नेक्स्ट है क्वेश्चन 87 है, क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, तो लिम्फोसाइट के निर्माण आपका प्लीहा में होता है, प्लीहा को ही तिल्ली कहते हैं, तो आपका सी होगा, और आपका बी भी होगा, अस्थि मज्जा में भी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 88 है, क्वेश्चन है कि ओंकोजीन, ओंकोजीन संबंधित है, ओंकोजीन संबंधित है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्क रोग से, कर्क रोग से यह संबंधित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 89 है, क्वेश्चन है कि एंजाइम लैपेज का स्रोत है, एंजाइम लैपेज का स्रोत है, आपका ऑप्शन बी होगा, अग्न्याशय, अग्न्याशय इसका स्रोत है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 90 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के संचलन में मदद करता है, रक्त के संचलन में मदद करता है, तो यह करता है आपका यानी एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट आपका रक्त के संचलन में मदद करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 91 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का घटक नहीं है, निम्न से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम आपका क्लोरोफिल में नहीं पाए जाते हैं, जबकि आपका मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, कार्बन पाए जाते हैं। आपका ऑप्शन क्या होगा, तो ए हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 92 है। क्वेश्चन 92 है कि बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है, तो बीसीजी का इस्तेमाल यानी क्षय रोग के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 93 है। क्वेश्चन 93 है कि रक्त कैंसर यानी ल्यूकेमिया की रोकथाम के लिए प्रयोग में किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक है, रेडियो समस्थानिक है, तो आपका ऑप्शन होगा देखिए कोबाल्ट 60 का यूज करते हैं, और आपका कोबाल्ट 60 के साथ आपका फॉस्फोरस 32 का भी यूज किया जाता है, तो आपका हो जाएगा यानी सी और डी दोनों सी है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 94 है। क्वेश्चन 94 है कि तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर, तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है और उसका उपचार भी करता है, यानी कर्क रोग उत्पन्न भी कर सकता है और इसका उपचार भी कर सकता है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा आयनी विकिरण से, आयनी विकिरण से। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपका 95 है। क्वेश्चन है कि सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है, सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है, आपका ऑप्शन सी होगा कि प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 96 है। क्वेश्चन आपका 96 है कि शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, तो ये करता है आपका हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस शरीर के तापक्रम का नियंत्रित करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 97 है। क्वेश्चन 97 है कि शरीर का तापक्रम का नियंत्रित करता है, तो ये करता है आपका हाइपोथैलेमस। अब देखिए आपका यह क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया है, और ये देखते कब पूछा है, ये आपका 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब देख सकते हैं लगातार क्वेश्चन को रिपीट किया है, जो क्वेश्चन आपका 18 में पूछा था वही आपका सेम क्वेश्चन बीपीएससी आपका 2019 में पूछ दिया गया है, तो आप देख सकते हैं आपका लगातार यानी बायो का क्वेश्चन को रिपीट करा है। आपका बायो ही नहीं, हिस्ट्री, पॉलिटिक, कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन है तो आपका बीपीएससी में क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। आप देख लीजिए आपका कितना क्वेश्चन अभी इसमें आपका रिपीट किया है, इसलिए कहते आपको क्वेश्चन बैंक को बनाइए, इसलिए कहते सभी सब्जेक्ट को आप क्वेश्चन बैंक को बनाइए, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 99 है। क्वेश्चन है कि डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया, डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया, आपका ऑप्शन ए होगा आर्थर कोर्नबर्ग, आर्थर कोर्नबर्ग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 100 है। क्वेश्चन है कि पार्किंसन, पार्किंसन बीमारी के उपचार के लिए, उपचार के विकास के लिए किसको नोबल पुरस्कार दिया गया, किसको नोबल पुरस्कार दिया गया, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा आर्विड कार्लसन, आर्विड कार्लसन को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 101 है। क्वेश्चन 101 है कि कौन सा दिन डायबिटीज दिवस मनाते हैं, कौन से दिन डायबिटीज दिवस मनाते हैं, तो 14 नवंबर को डायबिटीज डे मनाते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 102 है। क्वेश्चन है सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वे है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 103 है। क्वेश्चन है कि अधिकतर एंजाइम होते हैं, अधिकतर एंजाइम होते हैं यानी प्रोटीन होते हैं, अधिकतर एंजाइम प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 104 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है, तो याद रखिएगा वायरस, वायरस के यानी कोशिका में कोई भी एंजाइम नहीं होते हैं, वायरस की कोशिका में कोई भी एंजाइम नहीं होते, आपका ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा, विषाणु हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 105 है। क्वेश्चन है कि बिल तथा मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आह्वान किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है, ये आपका एचआईवी वायरस के यानी एड्स के प्रतिरोध के लिए कार्यरत है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 106 है, क्वेश्चन है कि डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा होती है जब नाड़ी गति बंद हो, बी हृदय रुक गई हो, सी आँख की पुतलियाँ स्थिर और फैल गई हो तथा प्रकाश पड़ने पर कोई प्रतिक्रिया न हो, तब यानी किसी बॉडी को डेथ बॉडी घोषित किया जाता है। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से तीनों सही है। नेक्स्ट का क्वेश्चन का क्या है, 107 है, क्वेश्चन है सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण कहाँ हुआ था, तो ये होता आपका दक्षिण अफ्रीका में। आपका ऑप्शन क्या होगा, इसका आंसर सी होगा, इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 108 है, क्वेश्चन है जीवाणु की खोज किसने किया था, ये आपका लिवन हॉक ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 109 है, क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक ने पहली बार टीकाकरण का शुरुआत की थी, ये किताब का एडवर्ड जेनर ने, एडवर्ड जेनर ने शुरुआत किया था टीकाकरण की। नेक्स्ट का क्वेश्चन 110 है, क्वेश्चन है कि बायोडिग्रेडेबल अवशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जाता है वह है, जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जाता है वह है बैक्टीरिया, क्या है बैक्टीरिया। नेक्स्ट का क्वेश्चन 111 है, क्वेश्चन है कि कणीय तत्व है, कणीय तत्व है, कणीय तत्व है, आपका ऑप्शन ए है ठोस अवशिष्ट, बी है वायु प्रदूषक, सी है जल प्रदूषक, डी है मृदा प्रदूषक, क्या होगा, इसका आंसर बी होगा वायु प्रदूषक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 112 है, क्वेश्चन है कि संवहनी संवहनी पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है, संवहनी पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है, तो ये जाता आपका जैलम टिश्यू से, जैलम का कार्य ही होता है आपका यानी पेड़ पौधे में जल और खनिज लवण का परिवहन करना। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 113 है, क्वेश्चन है कि सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान होता है, तो सेल्सियस आपका मानव शरीर का तापमान लगभग आपका 37 डिग्री सी होते हैं, 37 डिग्री सी होते हैं, यही आपका ये भी आपका 36.9 आपका करेक्ट होता है, लेकिन आपका लगभग कहा जाता है 37 डिग्री सी, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 114 है, क्वेश्चन है कि सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का समूह ग्रुप होता है, यह आपका ओ ग्रुप, ओ यानी जिसका ब्लड ग्रुप ओ, ओ में भी आपका निगेटिव, जिसका ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव होता है उसे सर्वदाता उन्हें कहा जाता है, सर्वदाता उन्हें ब्लड ग्रुप कहा जाता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 115 है, क्वेश्चन है कि सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है, देखिए सार्वभौमिक स्वीकार ये आपका ब्लड ग्रुप ए बी है, देखिए ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसी भी ब्लड ग्रुप से वो रक्त ले सकता है, और आपका ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को वह ब्लड दे सकता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन का है 116 है, क्वेश्चन है कि हड्डियों की पढ़ाई जिस विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है, तो हड्डियों की पढ़ाई आपका ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 117 है, क्वेश्चन है मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े के रूप में मौजूद रहती है, जोड़े के रूप में मौजूद रहती है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 118 है, क्वेश्चन है कि केशुरक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है, तो याद रखिएगा ये आपका 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन का है 119 है, क्वेश्चन है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं, तो आपका याद रखिएगा 20 दांत यानी 20 दांत आपका दो बार विकसित होते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन का है 120 है, क्वेश्चन है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है यानी कितनी हड्डियां होती है, तो मनुष्य की खोपड़ी में याद रखिएगा मनुष्य की खोपड़ी में आपका यानी 28 हड्डी होती हैं, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 121 है, क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है, तो पैर की हड्डी आपका ठोस होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 122 है, क्वेश्चन है कि 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग, तो आपका 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में आपका 206 हड्डी होती है, आपका 206 किसी में नहीं है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट का क्वेश्चन 123 है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है, कौन मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है, आपका ऑप्शन सी होगा कि सामने वाले चपटे दांत। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 124 है, क्वेश्चन है कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए क्वेश्चन है कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है, तो ये होता है आपका एंजाइम,
एंजाइम होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 125 है, क्वेश्चन है कि विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ बनाए रखने में जरूरी होता है, यह होता है आपका विटामिन सी। विटामिन सी आपका खट्टे फलों में पाए जाते हैं। आपका विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, और आपका विटामिन सी की कमी से एस्कॉर्बी रोग होती है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 126 है, क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। अभी आपको बताएं कि विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 127 है, क्वेश्चन है कि दूध किसका घटिया स्रोत है, तो दूध आपका विटामिन सी का सबसे घटिया स्रोत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 129 है, क्वेश्चन है 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है तो ये आपका जल है। सेल मतलब कोशिका में आपका 80% से अधिक जल पाया जाता है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 131 है, क्वेश्चन आपका 131 है, क्वेश्चन है कि निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है, तो आपका निषेचन की क्रिया होती है, याद रखिएगा, अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 132 है, क्वेश्चन है आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है, आपका ऑप्शन बी होगा, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 133 है, क्वेश्चन है कि विकास का मुख्य कारक है, आपका ऑप्शन डी होगा, प्राकृतिक वर्ण। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन आपका 134 है, क्वेश्चन है कवक पौधे में नहीं पाया जाता है, आपका ऑप्शन सी होगा, पर्णहरित नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 135 है, क्वेश्चन है शैवाल और कवक के मिलने से लैकिन बनता है जिसे क्या कहते हैं, उसे म्यूटिलिज्म कहते हैं, यानी सहजीवी कहते हैं। ये था आपका बायोलॉजी से महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपका अभी तक बीपीएससी में पूछे गए हैं, यानी अभी तक आपका बीपीएससी में जो बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे गए थे सभी क्वेश्चन आपका इसमें शामिल था। तो इस वीडियो को आप 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, जो इस बार 69th बीपीएससी एग्जाम दे रहे हैं और आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती का एग्जाम दे रहे हैं, इस दोनों के लिए आपका यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए जिससे आपका अधिक से अधिक स्टूडेंट पढ़ सके।